हरिओम तस्सर। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मिथुन राशि वालों के लिए 2023 का वार्षिक राशि पर। ये वर्ष आपके लिए कौन कौन सी नई चुनौतियां, कौन कौन सी नई आशाएं, लक्षण कौन कौन से नए सपने लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए वार्षिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मंथली राशिफल, डेली राशिफल, ज्योतिष संबंधित सारे उपाय और महाभारत के रोचक तत्व रहे किससे सब लेकर उपस्थित हो रहा हूं। तो प्लीज इसे ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये जो राशि होती है वो तीसरे नंबर की राशि होती है। मिथुन का अर्थ जो होता है वो जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब अर्थात स्त्री पुरुष का जोड़ा, ठीक है। अंग्रेजी में इसे जेमिनी कहा जाता है। इसका विस्तार 60 अंश से 90 अंश तक होता है। मिश्रा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आद्रा नक्षत्र के चार चरण तथा पुनर्वसु के पहले तीन चरण मिलाकर मिथुन राशि का निर्माण होता है। इस राशि का जो समय होता है बुध देव होते हैं। इस राशि में राहु अगर विराजमान हो जाए तो उच्च के हो जाते हैं और अगर केतु देव विराजमान हो जाए तो नीच के हो जाते हैं। इसका स्वभाव दुर्स्वभाव ही होता है। मिथुन राशि की प्रवृत्ति क्रूर होती है। इस राशि का तत्व वायु होता है। गुणी सात्विक होते हैं। जाति शूद्र होती है। रात्रि में बलि होती है। पश्चिम दिशा की स्वामी होती है। ये राशि त्रिधातिक प्रवृत्ति की होती है। शरीर में कंधा, छाती और फेफड़े पर होने वाली सभी क्रियाओं का असर इस राशि से देखा जाता है। और इस राशि के लोग बुद्धि आकांक्ष रखने वाले तथा शिल्प कलाओं में प्रवीण होते हैं। अपने जो भी आर्ट की तरफ ध्यान देते हैं, आर्ट से बहुत लगाव होता है। इनकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती है। इस राशि वाले लोगों के लिए सूर्य बाधक ग्रह होता है। सिंह राशि वाले बाधक राशि होती है और बाधक बुध तथा शुक्र इनके लिए शुभ ग्रह कहलाते हैं। वहीं पर वृषभ राशि मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसे जाने वाला बात करते हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ में गुरु मीन राशि में रहेंगे। 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। वहीं पर 16 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि में बकरी होंगे तथा 23 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार शनि वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहने वाले हैं तथा 20 फरवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जून से शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। 24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में रहेंगे। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चलते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, ये सारे ग्रह अनुसार अपने ग्रह गोचर अनुसार हर महीने बदलते रहते हैं। तो हर महीने में 15 दिन का पीरियड होता है। मंगल का, सूर्य का, इन सब के 15-20 दिन के पीरियड होते हैं। तो वो अपने अपने हर महीने बदलते रहते हैं, इसलिए उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये हर महीने बदलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि हम मिथुन राशि वालों के लिए धन की स्थिति 2023 में कैसे रहने वाली। वर्ष के प्रारंभ से ही आपके पास धन की आवक रहेगी। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कलह रास्तों से धन आने का योग ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के महीने के उपरांत आने की गति थोड़ी सी तेज और हो जाएगी। पैसा तो बहुत आने वाला है इस पूरे साल आपके लिए। अप्रैल और मई तथा जुलाई और अगस्त के महीने में आपका काफी धन रहेगा, पर आपको व्यर्थ के खर्चों से भी आपको थोड़ा सा बचना है। भाग्य की बात करते हैं। वर्ष के प्रारंभ में आपका भाग्य काफी आपको मदद देगा। बाद में आपके सारे जो भी कार्यों में परिश्रम किए हैं पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। जो भी आपने मेहनत की थी बहुत पहले, तो जब 22 में अगर आपने मेहनत की थी उसका फल नहीं मिला था तो 2023 में मिलेगा। बैठे बैठे इस समय आपके सारे परिश्रमों के फल मिलते जाएंगे। मार्च से आपका भाग्य थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, पर ये ना समझे कि बिल्कुल ठंडा बैठ गया है, वो तो बहुत ज्यादा तेज चलने वाला है। आपको अपने परिश्रम पर विश्वास रखना होगा। इस प्रकार भाग्य के सहारे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। भाग्य के सहारे नहीं बैठना, ये नहीं रहना कि आप बैठ गए तो आप बस मिलता जाएगा, ये नहीं। आपने जो मेहनत पहले की थी उसका फल इस समय मिलेगा। भाग्य उन्नति कारक समय जरूर है, पर आपको बिल्कुल भी उसके सहारे नहीं बैठना है। अब बात करते हैं करियर की। करियर आपके लिए रहेगा कैसा। करियर के क्षेत्र में वर्ष के प्रारंभ में कालखंड ठीक रहेगा। थोड़ा खराब हो सकता है। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी के लिए जो कई अधिक समय से रुके हुए थे वो इस समय आपको नौकरी मिलेगी। वहीं पर कार्यालय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अतिरिक्त प्रभाव मिल सकता है। कार्यालय में कुछ लोगों से आपकी शत्रुता बिगड़ सकती है।
मतलब मित्रता हो सकती है, आपकी शत्रुता खत्म होगी, आपकी मित्रता बढ़ेगी, इसलिए किसी से भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, कुटुंब के बारे में बात करते हैं। पूरे वर्ष माता और पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, वो भी साल के अंत में, साल की शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। माता और पिता का दोनों का स्वास्थ्य अच्छा जा रहा है। नवंबर और दिसंबर के महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा उसके पहले कोई भी खराबी नहीं, कोई भी चिंताकारक विषय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य मार्च के महीने में बिल्कुल अच्छा उत्तम रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। थोड़ा सा उनको सर्दी जुकाम संबंधी परेशानी हो सकती है, पर इससे ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर तक आपका अपना भाई बहनों से थोड़ा सा टकराव हो सकता है, थोड़ा सा चिंताकारक रह सकता है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपने भाई बहनों से थोड़ा सा आप दूरी बनाए के रखें, क्योंकि कोई ना कोई पैसे संबंधी विवाद हो सकते हैं। अप्रैल और मई तथा अगस्त और सितंबर के महीने में आप अपने भाइयों से उत्तम संबंध बना के रखने, क्योंकि उनसे धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। भाई और बहनों से आपको अपने मार्च में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, उनके माध्यम से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी संभावना है कि किसी भाई बहन से आपकी थोड़ी सी जो लड़ाई हो रही थी, वो चल रही थी, वो बिल्कुल समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अतः आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि कोई ना कोई बात आपकी तरफ से भी बिगड़ सकती है। क्योंकि अगर भाई का संबंध खराब है, भाई की कुंडली, भाई की राशि में अगर भाई से संबंध खराब होने के योग बन रहे हैं, या बहन की कुंडली में भाई से संबंध होने के खराब बन रहे हैं, तो वो कोई ना कोई बात आपके ही मुंह से कहलवा देगा और आपके संबंध उनसे खराब हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य जो रहेगा आपका सामान्य रूप से रहेगा। आपके जीवन साथी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उनका जो स्वास्थ्य है उन्हीं के बदौलत आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर आप अस्वस्थ हुए तो उनका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो आपके स्वास्थ्य के महीने में थोड़ा सा अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो भी सर्दी जुकाम संबंधित, शीत कफ संबंधित यही परेशानी होगी, इससे ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं दिख रही है। व्यापार की बात करते हैं, आपके धन भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है, परंतु आपको उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु चंडाल योग के दौरान आपको धन की अच्छी स्थिति, अच्छे आय के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको छोटे मोटे उपाय करने होंगे। गुरु चंडाल योग अप्रैल महीने से प्रारंभ हो जाएगा। उसके अलावा जून और जुलाई के महीने में आपके व्यापार के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। वहीं पर बात करते हैं वैवाहिक लोगों के लिए, विवाह जिनके नहीं विवाह हुए उनके लिए भी, और जिनके विवाह हो चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंध के लिए अप्रैल मई जून जुलाई के अगस्त महीने के लिए सबसे उत्तम समय है। जो विवाह प्रस्ताव आपके लिए आ रहे हैं, बात चलते चलते जो बिगड़ रही है, टल रही है, उसके लिए सबसे अच्छा समय इस समय आपका संबंध जुड़ेगा। जो कई समय से संबंध रुके हुए थे, वो इस समय आपके संबंध जुड़ेंगे। इसके अलावा मई के महीने में आपका विवाह भी हो सकता है, कोई सुंदर प्रस्ताव आपके लिए आएगा और उसी से आपका विवाह होगा। ये पूरा ही समय आपके विवाह के प्रस्ताव के लिए रहेगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छे परिवार में आपका विवाह होगा और जो भी संतुष्टिपूर्व विवाह होगा। इस समय इन जातकों के लिए सबसे अच्छा वैवाहिक संबंधों के लिए माना जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए उन पर विचार विमर्श करके आप अच्छे अंतरदशा दशा देख के आप विवाह का अच्छा मुहूर्त निकाल लेते हैं कि आपके विशेष दशा में या अंतरदशा में जब भी वो पीरियड आएगा तभी वो विवाह होगा, पर आपका संबंध जरूर जुड़ जाएगा। विवाह का समय नहीं आया होगा, पर वो संबंध जरूर इस समय जुड़ जाएगा, क्योंकि संबंध आपके जो है 22-21 दिन कई सालों से जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, बात बनते बनते बिगड़ रही है, उस समय आपका संबंध जुड़ जाएगा। आप बात करते हैं मकान कार और सारी चीज़ों की। देखिए मकान कार और सुख सुविधाओं की सामग्री जैसे एयर कंडीशनर या कोई भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी में खरीदने का संयोग बन रहा है। अगर आप इसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा योजना के लिए सबसे आवश्यक समय है, इस समय आप इसको पूर्ण करें। इसके अलावा मार्च अप्रैल एवं मई इस समय कोई भी ऐसा योग ना बनाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको खर्च, आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है। आप छोटी चीज लेने चाहें, बड़ी चीज लेके जाए, जिससे आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। वार्षिक उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए हर उपाय अलग अलग होते हैं, देखिए वार्षिक उपाय अलग होते हैं। ये उपाय उन के लिए है जिनके मकान आप बनाना चाह रहे हैं पर मकान नहीं बन पा रहे हैं, खरीद रहे हैं जमीन पर खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीदना चाहते कई समय से बन नहीं पा रहे। तो आपको गाय को बुधवार को हरा चारा खिलाना चाहिए, आपकी सभी तरह की रक्षा है, आपके सभी तरह का संकट मुक्त हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। और सोमवती अमावस्या तथा हर महीने की पहली अमावस्या को भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें एवं गणेश जी को अथर्वशीर का पाठ करवाएं, विद्वान अच्छे योग्य पंडितों से करवाएं। इससे आपके जो भी मन में परेशानियां, मन में अशांति सारी दूर होगी। और बाकी जो कुंडली में अलग अलग ग्रह खराब है उनके अलग अलग उपाय होते हैं, इसलिए आपको
नीचे दिए गए नंबर पर अगर आपको कोई ऐसी जन्म कुंडली संबंधित परेशानी है, ये राशि वाला आप पे घटित नहीं हो रहा, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क करें आपकी कुंडली देख के उसमें, क्योंकि उसमें तारा बल को भी देखना जरूरी है, राशि को भी देखना जरूरी है, लग्न को भी देखना जरूरी है, सारी चीज़ों का वर्णन करके आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों, कई लोग कहते हैं कि ये राशि बल हम पे घटित नहीं हो, क्योंकि राशि और लग्न इस सबके राशिफल अलग होते हैं, जन्म कुंडली में तारा बल के अनुसार भी अलग चीज़ होती है, इसलिए सारे ही चीज़ों को मिला के एक बार देखना पड़ता है। इसलिए नीचे दिए गए नंबर से आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।